वेलकम टू अच्छे दिन। आकांक्षा जुनेजा टेलीविजन इंडस्ट्रीज की उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने अपना करियर बिना किसी गॉडफादर के बनाया। आकांक्षा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज में उनके नेगेटिव रोल के लिए जाना जाता है, जो आजकल टीनेज की रियल लाइफ पसंद बन चुकी है। इस वीडियो में हम आपको उनके लाइफस्टाइल और करियर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, दिल्ली से बिलोंग करने वाली आकांक्षा एक ट्रेंड एक्ट्रेस एवं मॉडल है। टीनेज से ही एक्ट्रेस बनने का ड्रीम रखने वाली मॉडलिंग और स्विमिंग की शौकीन आकांक्षा की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर मॉडलिंग व एक्टिंग में रुचि होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एक्टिंग में ट्रेंड किया, इसलिए टीनेज से ही एक्टिंग आकांक्षा का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 31 वर्षीय आकांक्षा का जन्म 30 मार्च 1990 को दिल्ली के एक हिंदू फैमिली में हुआ, जिनके फादर महेश जुनेजा जबकि मदर नेहा जुनेजा व फैमिली में नव्या की इकलौती सिस्टर। आकांक्षा बचपन से ही डांस, ड्रामा व म्यूजिक जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। नंबर 3, अपने होम टाउन दिल्ली से स्कूलिंग व ग्रेजुएशन एवं आर के फिल्म अकेडमी से प्रोफेशनल एक्टिंग के बाद मॉडलिंग करियर स्टार्ट करने के लिए आकांक्षा मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां 2010 में उन्होंने स्टार प्लस के रियलिटी शो महायात्रा में पार्टिसिपेट किया, जो उनकी लाइफ का करियर मेकिंग बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 4, अपने टेलीविजन डेब्यू जीटीवी के सीरियल दो सहेलियों में देखने के बाद से ही आकांक्षा को कई सीरियल ऑफर हुए, जिन्हें CID, हमारी बेटी राज करेगी और साथ निभाना साथिया जैसे टेलीविजन सीरीज में उनके नेगेटिव रोल को फैंस के साथ साथ आलोचकों द्वारा भी पसंद किया गया। मगर सोनी टीवी की ड्रामा सीरीज अदालत, सावधान इंडिया और इस बाज ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। उनके रोल को इतना पसंद किया गया कि आकांक्षा अब इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट इन डिमांड एक्ट्रेस में से एक बन गई। नंबर 5, लाइफ ओके के सीरियल दिल से दी दुआ सौभाग्यवती बुआ में तनिषा का रोल करने के बाद से ही आकांक्षा की पॉपुलरिटी सभी जानते हैं कहां से कहां पहुंच गई। आकांक्षा को सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आप सब ने आयशा के कैरेक्टर में उन्हें नेगेटिव रोल करते हुए देखा। इस सीरियल के बाद से ही आकांक्षा का करियर राइज पर है। नंबर 6, आकांक्षा को सीरियल साथ निभाना साथिया 2 से हग पॉपुलरिटी मिली, जहां वह कनक देसाई के कैरेक्टर में नजर आई। साथ निभाना साथिया 2 एक बहुत ही शानदार सीरियल है और आकांक्षा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। सीरियल में उनकी अपोजिंग एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा आकांक्षा एक अव्वल दर्जे की विलेन एक्ट्रेस है और बहुत से फैंस आज भी उन्हें कनक देसाई के कैरेक्टर से जानते हैं। आकांक्षा साथ निभाना साथिया 2 में कनक देसाई के कैरेक्टर में कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 7, टेलीविजन डेब्यू के बाद से ही आकांक्षा को भोजपुरी फिल्म बांके बिहारी से ही कई फिल्में ऑफर हुई, मगर पंजाबी रोमांटिक फिल्म ले गई साडा दिल लूट की और बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बैंग बैंग बैंकॉक में आकांक्षा को इतना पसंद किया गया कि उनके कैमियो के रोल को आलोचकों द्वारा भी पसंद किया गया। नंबर 8, टेलीविजन इंडस्ट्रीज में आकांक्षा एक हॉट व बोल्ड पर्सनैलिटी है। उनकी बातचीत में हमेशा नवीनता और समझदारी झलकती है। अपनी स्वतंत्रता से प्यार करने वाली आकांक्षा को ट्रेंडिंग फैशन बेहद पसंद है, जो उनके फैंस को अट्रैक्ट करता है। लोगों को इंस्पायर करने की उनके अंदर अपार क्षमता है। उनका तेज और उदार दिमाग एवं मजबूत और आकर्षक बॉडी उन्हें जल्दी निर्णय लेने में सहायक है। लोग उन्हें अप्रत्याशित एडवेंचर फ्रीक एक्ट्रेस के तौर पर एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं, जो उन्हें कम्प्लीट मल्टी टैलेंटेड सेक्सी स्लैब्स बनाता है। नंबर 9, पर्सनल लाइफ और मीडिया के बीच दूरी बनाकर रखने वाली आकांक्षा का कहना कि मेरा 100% अपने करियर पर फोकस है, मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मगर रियलिटी तो आकांक्षा ही जाने उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। नंबर 10, अपनी हैबिट के चलते लाइमलाइट में रहने वाली आकांक्षा रियल लाइफ में हुक्का की अडिक्ट है। स्मोकिंग के प्रति उनका जुनून ऐसा है कि वह कंप्लीट हुक्का लवर है। हुक्का की शौकीन आकांक्षा को स्विमिंग से भी बेहद प्यार है, जो उनका फेवरेट इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप देखना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।